4 जनवरी साल 1809 को लुई ब्रेल का जन्म फ्रांस के कुप्रे में हुआ। वे फ्रांस के शिक्षाविद और शोधकर्ता थे जिन्होंने दृष्टिहीनों के लिए लिखने और पढ़ने की प्रणाली विकसित की। बाद में यह पद्धति ब्रेल लिपि के नाम से विश्व भर में प्रसिद्ध हुई। इस वजह से लुई ब्रेल दृष्टिहीनों के लिए ज्ञान के चक्षु बन गए। ब्रेल लिपि के निर्माण से नेत्रहीनों के पढ़ने की कठिनाई को मिटाने वाले लुई 8 वर्ष के आयु में ही पूरी तरह से दृष्टिहीन हो गए। उनके जीते जी शिक्षाविदों द्वारा उनके ब्रेल पद्धति को अस्वीकार किया गया, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद पूरी दुनिया ने उनके ब्रेल लिपि की सराहना करते हुए इसे स्वीकार किया। भारत सरकार ने साल 2009 में लुई ब्रेल की जयंती पर उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया। 4 जनवरी साल 1958 को सर एडमंड हिलेरी दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे। साल 1912 में कैप्टन रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट ने दक्षिणी ध्रुव का सफल अभियान किया था। इससे पूर्व साल 1953 में सर एडमंड हिलेरी और शेरपा तेंजिंग नॉर्वे एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले पहले पर्वतारोही बने थे। न्यूजीलैंड के रहने वाले हिलेरी और उनकी टीम ने दक्षिणी ध्रुव पर खराब मौसम में लगभग 113 किलोमीटर की यात्रा तय की। हिलेरी और उनकी टीम ने अपनी यात्रा के लिए गाड़ियों का इस्तेमाल किया। इस सफल अभियान से लौटने के बाद हिलेरी को ब्रिटेन में नाइटहुड की पदवी से सम्मानित किया गया।